वो सुधीर, जो सुधीर को जानते होंगे, वो दल्ला 100 करोड़ की उसमें पकड़ा गया था, तिहाड़ी है, वो तिहाड़ में गया था। सारा कलंकित मीडिया ने हमें बदनाम करा, कलंकित मीडिया जो थी हमारा सतून थी, हिंदू डेमोक्रेसी का था, ये सारे के सारे बिक गए। अंजना ओम कश्यप तो मोदी लगा के बैठ गई थी कि तुम तो गौडसे वाले हो, तुम सावरकर वाले हो। जब सावरकर पकड़ा जाता था, माकल तो करता था, नहीं करता था, पावले आना क्यों नहीं आता, टकलू पूरा नागपुर हिला दिया हमने। अब बात कर, सारी की सारी बीजेपी वेंटिलेटर पे चली गई। मैं फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, पर दादा मेरे 1882 में लंदन जाके लटके थे, डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। 1857 में मेरे दादा मरे हैं, तो आप हमें आतंकवादी बता रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी, आप हमें आतंकवादी कह रहे हैं। तुम चड्डी गैंग वाले जो हो, तुम कह रहे हो तुम आजाद हो, तुम झंडा तक हमारा उठाते नहीं हो। तुम्हारे नेता जो है वो गांधी को गोलियां मार मार के अपनी तस्कीन लेते हैं, झंडा तुम जलाते हो और तुम देशभक्त बन रहे हो। तुम तो गौडसे वाले हो, तुम सावरकर वाले हो। जब सावरकर पकड़ा जाता था, माकल तो करता था, नहीं करता था, तो तुम डोनेशन हो, तुम तो फूट डालो और लड़ाई करो वाले हो। दिल्ली में इन्होंने कैसा ड्रामा करा था, शाहीन बाग कर रहे थे। वैसे तो हम लोग शाहीन बाग वाली बिरयानी पे बैठे हुए थे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैं शाहीन बाग जाके मसले को सुलझाना चाहता हूँ। हाँ तो बावले आना क्यों नहीं आता टकलू, तो हम तो 62 दिन से बैठे हैं, काम हमारा पड़ा, आ क्यों नहीं आ रहा। बाबरपुर में क्या लगता है, वो शाहीन बाग की महिलाओं से डर रहे हैं क्या? सर डरा हुआ है जब भी, तो वैसे तो कह रहा है शाहीन बाग की औरतें बिरयानी पे बैठी हुई है। वैसे तू कह रहा है बाबरपुर में बटन दबाओ, करंट शाहीन बाग जाए। अब हमने पूरे दिल्ली ने ऐसा करंट लगाया ना, पूरा नागपुर हिला दिया हमने। अब बात कर, सारी की सारी बीजेपी वेंटिलेटर पे चली गई। शाहीन बाग मुद्दे पर, एनआरसी सीए के मुद्दे पर तो केजरीवाल भी खुल के सामने नहीं आता। सर केजरीवाल भी कैसे आएगा, केजरीवाल भी कहीं ना कहीं भाई मजबूर भी है। और दूसरी बात है, केजरीवाल को भी ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, वो तो तुम्हारे में से है, हिंदू है। दिल्ली में आप देखे टोटल मुसलमान सिर्फ 12% है, हिंदू जो है 88% है। तो तुम्हें तो हिंदुओं ने धूल चटाई है, तुम्हारा करंट तो हिंदुओं ने लगाया, हम तो बाद में लगाते। तुम्हें तो नागपुर उन्होंने, दिल्ली वालों ने हिलाया, एलीट क्लास से तुम्हें ठुकराया है, क्योंकि तुम फूट डालो आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप केजरीवाल की जीत को स्वीकार कर रहे हैं तो हिंदुत्व की जीत को स्वीकार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर वो तो पागल है, बावले हैं, व्हाट्सएप एजेंडे पड़े हैं, कुछ भी भोंक सकते हैं। 1000 में एक कमेंट ऐसा भी आता है, वो दल्ले होते हैं, वो ये जो होते हैं ना गोबर गणेश होते हैं, जियो नेटवर्क यूज करते हैं, कभी टावर आता है कभी जाता है। तो जियो वाले हैं, अंबानी वाले हैं, सब सारे के सारे आरएसएस के दल्ले हैं, ये तो कुछ भी बोलेंगे। 99% अगर हमारे फेवर में कमेंट आ रहा है तो एक बुराई में भी आएगा, तो उन्हीं दलालों का आ रहा है जो आप देख रहे हैं। आखिर में एक सवाल, जिस तरीके से मतलब क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से मौजूदा सरकार को? सर मैं यही कहूंगी, जिस तरह कलंकित मीडिया ने हमें बदनाम करा, कलंकित मीडिया जो थी हमारा सतून थी, हिंदू मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो चौथा डेमोक्रेसी का था, ये सारे के सारे बिक गए। अंजना ओम कश्यप तो मोदी लगा के बैठ गई थी कि मोदी की बीवी बन गई थी, सबसे पास करती थी, और 50 दिन तुझे लग गए थे वहां पर आने में शाहीन बाग में। तू इतनी फास्ट थी, जिस दिन तंबू गाड़ा था ना उसी दिन आगे बैठती, तू नहीं बैठी थी, तू तो फास्ट थी। हम तो जाहिल हैं, हम तो तंबू वाले हैं, हम तो बुरके वाले हैं, हम तो हलाला कर रहे हैं, तू तो हमसे फास्ट थी। और तू शाहीन बाग क्यों गई, तू सिलमपुर क्यों नहीं जाती, तू जाफराबाद क्यों नहीं जाती, तू हजानी क्यों नहीं जाती, तू तुर्कमान गेट क्यों नहीं जाती, तू इंद्रलोक क्यों नहीं जाती, तू हर वहां क्यों नहीं जाती जहाँ प्रोटेस्ट है, क्यों तुझे राजनीति रोटी सेक रही थी कि शाहीन बाग ट्रेन में चल रहा है मैं भी पहुंच जाऊँ। अब मोदी ने तेरे पिछवाड़े पे लात मारी तो तू वहां पर आ गई थी, तो तू तो मोदी बनी हुई थी। इसके स्टूडियो में कोई भी जाता था बात नहीं करने देती थी, चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, ऐसे होते नहीं हो। वो सुधीर, जो सुधीर को जानते होंगे, वो दल्ला 100 करोड़ की उसमें पकड़ा गया था, तिहाड़ी है, वो तिहाड़ में गया था, वो हमारा होम मिनिस्टर टकलू 3 साल जेल में रहकर आया था। तो सारे के सारे तो क्रिमिनल पार्टी है, रेपिस्ट पार्टी, हर 2 मिनट में रेप होता है। सर ये सारे के सारे, अब ये देखे ना दीपक चौरी से कहता था मुझे मारा, अबे शाहीन बाग की हर औरत तेरे एक थप्पड़ भी मारती ना तो जमीन में स्टिकर बन जाता तेरा, स्टिकर खुलस के लेके जाती पुलिस। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।